हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन की फ्लोटेशन क्या है और इससे लिंक्ड चीज़ों के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के सारे वीडियोस आपको दिखाई दें तो आपको हमारे चैनल की मेम्बरशिप लेनी पड़ेगी। बिना मेम्बरशिप लिए आपको चैनल के सारे वीडियोज़ नहीं दिखाई देंगे। आज ही चैनल की मेम्बरशिप लीजिए और सारे वीडियोज़ का आप आनंद उठाइए। मेम्बरशिप कैसे लेनी है इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम फ्लोटेशन के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं फ्लोटेशन की तो हमें ऑलरेडी मैंने अगर मैं बोलूँ आपको तो मैंने अपथ्रस्ट और वो चैप्टर मैंने डिस्कस किया है तो उससे भी आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा फ्लोटेशन के बारे में। तो अगर आपने अपथ्रस्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले वो चैप्टर देखिए, अदरवाइज आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो अब जब हम फ्लोटेशन की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं इसमें। पहला होता है वेट, जो भी बॉडी डूबी हुई है, जैसे मान लो ये पानी है। तो अब मान लो कोई बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही है, ठीक है, आधी पानी के अंदर है आधी पानी के ऊपर है। तो एक होता है वेट ऑफ बॉडी, ये जो इस बॉडी का वेट है, ठीक है, और एक होगा अपथ्रस्ट। एक तो उसकी बॉडी का वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, एक इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसको मैंने एफ बी लिख दिया है। तो पहले हम देखेंगे वेट ऑफ बॉडी कितना होगा। वेट ऑफ बॉडी हमें पता है वी डी जी होता है, वी मतलब इस बॉडी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, जी तो हमें पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें निकालना है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम इस पार्ट का बॉडी का जो डूबा हुआ है, जो डूबा हुआ पार्ट है, मान लो ये पार्ट डूबा है तो इसका वॉल्यूम खाली, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, जो पार्ट डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम। फिर डेंसिटी किसकी अब आएगी डेंसिटी जिसमें डूबा है, पानी में, इस लिक्विड में डूबा हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो अब फ्लोट करने के लिए या तो डेंसिटी सॉरी वेट और फ्लोट अपथ्रस्ट बराबर होना चाहिए या आपका अपथ्रस्ट ज्यादा होना चाहिए वेट से। अब तीन कंडीशन बन सकती है, पहली कंडीशन लेके चलते हैं, वेट अगर ज्यादा है अपथ्रस्ट से। अब अगर वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो क्या होगा, बॉडी नीचे आ जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, अगर वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो इस केस में ये होगा, ये पानी है या लिक्विड है जो भी है, और अगर वेट ज्यादा है तो ये बॉडी यहाँ आ जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, सिंक डाउन। भाई देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ये, एक फोर्स लग रहा है वेट नीचे की तरफ। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो नीचे नीचे की तरफ आ जाएगी ना बॉडी, सिंक डाउन हो जाएगी। तो वही चीज है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मान लो वेट और अपथ्रस्ट बराबर है, अगर वेट और अपथ्रस्ट बराबर हैं तो बिल्कुल बॉडी अंदर की तरफ आ जाएगी, ऐसे, ये लिक्विड है ये ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ पानी के अंदर फ्लोट करेगी, ये पानी की सतह है, सरफेस ऑफ जो भी है लिक्विड है, बिल्कुल अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में ये होगा सेकेंड केस में कि वेट और अपथ्रस्ट बिल्कुल बराबर है। अब तीसरा केस एक और बनता है, जब अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से, जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा वेट से तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी। फ्लोट कैसे करेगी, जैसे ये मान लो आपका लिक्विड है, ये ऐसे रहेगी, आधी एयर में रहेगी हवा में, आधी पानी के अंदर रहेगी या जो भी लिक्विड है उसके अंदर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, आधी ऊपर आधी नीचे। ये तब है जब अपथ्रस्ट क्या है, ज्यादा है, अपथ्रस्ट क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, वही जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगभग मैंने आपको बताया था लास्ट, उसमें वो सेम ही है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी होता है, जो भी बॉडी फ्लोट करती है, जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है
वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वही जो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है, अगर देखेंगे तो बहुत हद तक ये वैसा ही है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। क्या मतलब है इसका? मान लो ये है, आपको निकालना है, ये बॉडी फ्लोट कर रही है ऐसे लिक्विड में, ठीक है, इसका वेट निकालना है इस फ्लोटिंग बॉडी का। तो किससे निकाल सकते हैं हम कि जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है इसका वेट निकाल के, मान लो ये वाला पार्ट इसका सबमर्ज है, ये पार्ट सबमर्ज है ना, पानी के अंदर है, जो पार्ट पानी के अंदर है उसको सबमर्ज बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट इसका इस लिक्विड के अंदर है, इस लिक्विड यहाँ पे कुछ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, इसके अंदर कुछ लिक्विड होगा ना, मतलब ये अगर इस पार्ट ये पार्ट लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है ना, पानी के अंदर है तो उस पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे जितना पानी है पूरा, उसका वेट ले लूँ मैं, मान लो उस पानी का वेट आ गया 2 किलो इंटू जी, जी वी से भी करेंगे, ये तो खैर खाली मास हुआ, तो 2 किलो इंटू जी, मान लो 2 न्यूटन आ गया। अब 2 न्यूटन वेट है, इतने इतने इस हिस्से में जो पानी है पूरा, जो डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है ना, तो इस हिस्से के पानी का वेट निकालूं मैं, तो मान लो आ गया 2 न्यूटन। तो जो 2 न्यूटन है वही वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है, इस फ्लोटिंग बॉडी का वेट भी 2 न्यूटन होगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से है। अब हम पढ़ रहे हैं एपरेंट वेट के बारे में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एपरेंट वेट, जो भी फ्लोटिंग बॉडी होती है ना उसका एक एपरेंट वेट होता है, जैसे ये बॉडी अगर फ्लोटिंग है इसका एक एपरेंट वेट होगा। एपरेंट वेट क्या होगा? हमेशा जो ट्रू वेट होगा इस बॉडी का, जो इस बॉडी का ट्रू वेट है, ठीक है, ट्रू वेट मेनली वो होता है जो जमीन पे वेट है इस बॉडी का, फ्लोट पानी में फ्लोट कर रही है या लिक्विड में फ्लोट कर रही है, तो जो उसका जमीन पे वेट है वो उसका ट्रू वेट होता है, माइनस अप थ्रस्ट। अब देखो, अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो फ्लोट करेगी कब? फ्लोट कब करेगी? जब इसका जो वेट है और जो उसका अप थ्रस्ट है वो बराबर है, तभी तो फ्लोट कर रही है, नहीं तो फ्लोट नहीं कर सकती, नहीं तो अगर वेट ज्यादा होगा तो सिंक डाउन कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यानी कि ट्रू वेट और अप थ्रस्ट क्या है? जो उसका वेट है और जो उसका अप थ्रस्ट है वो बराबर होगा तभी तो फ्लोट करेगी। तो ट्रू वेट और अप थ्रस्ट क्या है? एक तरीके से बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो आंसर क्या हो जाएगा? ये और ये इक्वल है, तो -0 हो जाएगा ना। तो एपरेंट वेट कितना हो गया? क्योंकि भाई देखो, ट्रू वेट और अप थ्रस्ट क्या है? बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये इक्वल क्यों है? तभी तो फ्लोट करेगी, अदरवाइज फ्लोट नहीं कर सकती बॉडी। हमने पढ़ा था ना पीछे, फ्लोट तभी करती है क्योंकि अगर ये ट्रू वेट ज्यादा हो गया अप थ्रस्ट से तो नीचे आ जाएगी, सिंक डाउन हो जाएगी। तो हमने क्या बोला है, अगर बॉडी फ्लोट करेगी तो उस केस में ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये अपरेंट वेट कितना होता है? 0, ठीक है। तो एक तरीके से जो बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, अगर आपको कोई बॉडी फ्लोट करते हुए दिख रही है तो उसका कोई वेट नहीं है, वो अपीयर करेगी आपको, उसका कोई वेट नहीं है, मतलब एक तरीके से अपीयर कर रही है। ऐसा नहीं कि आप उसी चीज को आप जमीन में निकाल दोगे, बाहर निकाल, उस लिक्विड में से बाहर निकालोगे तो वेट आपको दिखाई देगा, वेट लोगे तो। लेकिन जब वो पानी में है तो उसका अपरेंट वेट 0 है, क्योंकि अपथ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें वेरीफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो हम कैसे करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है क्या, पहले देख लो, दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले बता दिया मैंने, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट। अब इसे कैसे करेंगे? प्रूफ करना है हमें, न्यूमेरिकली प्रूफ करना है, ठीक है, देखना है। हमने ले लिया एक पानी का जार, डिब्बा टाइप का समझ लो, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है। अब यहाँ वाटर भरा हुआ है इस मार्क पे, V1 पे, मान लो ये मार्क है आपका अराउंड 325, ये 350 है, ये 300 है, ये आपका V1 है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें डाल दिया आपने एक टेस्ट ट्यूब टाइप का, उसके अंदर लेड शॉर्ट्स हैं, लेड शॉर्ट इससे डालें ताकि ये फ्लोट करे, अदरवाइज फ्लोट नहीं करेगा, कांच का है ना, ऐसे ऐसे है, मान लो ये ऐसे इस टाइप से। अब यहाँ लेड के शॉर्ट्स डाल दिए इसके अंदर ताकि ये भारी हो जाए और फ्लोट करे,
अब मान लो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसको उसमें डाल देंगे तो ऊपर आ जाएगा पानी का लेवल। पानी का लेवल आ गया इधर, ये हो गया आपका 450, ठीक है मान लेते हैं ये हो गया V2। तो कितना अब ये जो डूबा है पानी के अंदर, वो पानी का वॉल्यूम निकालना है, कितना निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है इतना निकलेगा, कितना हो जाएगा V2 - V1। डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है? अब जैसे मुझे वेट ऑफ लिक्विड निकालना है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज पार्ट, पहले ये निकाल रहा हूँ, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज कितना होता है? VdG, यही लगता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो जो वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड डिस्प्लेस है, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है? V2 - V1। इतने से इतना ऊपर उठ गया ना, तो वही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है। डेंसिटी ऑफ, ये पानी है, हमने पानी लिया इस केस में, तो पानी की डेंसिटी 1, ठीक है? पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 से मल्टीप्लाई करा गया इधर जी, तो कितना हो गया आपका, एक तरीके से ये हो गया V2 - V1 G। हमने हम ग्राम फोर्स में लेंगे तो V2 - V1 GF हो गया ग्राम फोर्स। अब मान लो मैंने इसे बाहर निकाल लिया टेस्ट ट्यूब को, इसको इसी को बाहर निकाला, इसको सुखा दिया, इसका वेट लिया, इसका वेट लिया, और मैंने जो इसके अंदर लेड शॉर्ट्स हैं उनका वेट लिया, तो अब मैं देखूंगा जो, तो इनका वेट है ना, जब मैं निकालूंगा लेड शॉर्ट्स का और इसका टेस्ट ट्यूब का, तो वो इसके बराबर ही आएगा V2 - V1 के GF जो भी है ग्राम फोर्स, तो इतना आ जाएगा ये। तो इस समय प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय सबमर्ज पार्ट के इक्वल है, ठीक है? अब थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं डेंसिटीज के बीच में, कि जो बॉडी डूबती है पानी के अंदर और जो बॉडी का वेट है, और जो हमें पता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी है या अपथ्रस्ट, तो वेट ऑफ बॉडी और अपथ्रस्ट के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं डेंसिटीज के हिसाब से, तो देखते हैं। तो पहले हो गया वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। अपथ्रस्ट कितना होता है, वही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी या अपथ्रस्ट एक ही बात है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इस केस में ले लेते हैं हम, पहले वाले केस में हमने ले लिया बड़ा वी, डेंसिटी को हमने ले लिया ऐसे PSG, ठीक है? इस केस में ले लिया, इस केस में हमने मान के चल रहे हैं स्मॉल वी छोटा वी ले लिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो हमने लिक्विड की ले ली, या बॉडी है तो हमने एस ले लिया, सॉलिड मान के, बॉडी को सॉलिड मान के इसलिए ऐसे लिया है, ये लिक्विड की डेंसिटी ऐसे एल ले लिया, जी वही रहेगा। अब ये दोनों बराबर होंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये और ये तो कट गए, ये और ये कट गए, तो क्या हो गया वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है? तो ये आपका एक तरीके से रिलेशन आ गया डेंसिटीज के उसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस क्या है फ्लोटेशन की, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है? तो पी ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की एप्लीकेशन क्या है? पहला है आयरन, आपको पता है कि जो आयरन नेल होता है वो मैंने पहले उस अपसर्स में बताया था, वो सिंक कर जाता है, पर आयरन की जो शिप होती है वो फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई आयरन नेल जो होता है इसकी एवरेज डेंसिटी ज़्यादा होती है, आयरन नेल की एवरेज डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, तो ये तो सिंक कर जाएगा, बट जो आयरन शिप होता है इसकी एवरेज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है पानी से, एवरेज डेंसिटी कम होती है क्योंकि हॉलो होता है शिप, अंदर से क्या होता है बहुत हॉलो होता है, तो एवरेज डेंसिटी कम होती है पानी से, तो इसलिए फ्लोट करता है, ठीक है? तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। दूसरा क्या है, जो लोडेड शिप होती है वो ज़्यादा सबमर्ज करती है, मतलब अगर शिप के अंदर मैं सामान भर दूँ बहुत ज़्यादा तो सबमर्ज ज़्यादा करेगी, और जो अनलोडेड शिप है वो कम सबमर्ज करेगी, अगर वो खाली शिप है तो उतना ज़्यादा
पानी के अंदर नहीं जाएगी, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, जो लोडेड शिप है उसका उसका वेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो जो वेट ज्यादा हो रहा है तो नीचे की तरफ आएगी आएगी, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा उसको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी वो थ्रस्ट लगेगा, बैलेंस होगा। सिंपल सी बात है, अगर शेप में सामान रखेंगे तो वेट बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी, उसको फिर बैलेंस करने के लिए उसको ज्यादा, क्योंकि अपसेस भी उतना लगवाना पड़ेगा, वेट बढ़ गया ना, तो इसलिए उसको लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा करना पड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, शिप आपने देखा होगा, शिप ज्यादा डूबती है, सबमर्ज करती है, कब, जब वो सी वाटर से जाती है रिवर वाटर की तरफ। इसका रीजन क्या है, ये सबमर्ज क्यों ज्यादा कर रही है, क्योंकि उसका बहुत तक ये है रीजन, जो शिप की जो वो होती है, ठीक है, जो सी वाटर की जो डेंसिटी है वो है ज्यादा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी है ज्यादा, इसकी डेंसिटी है कम। जब सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, सी वाटर की डेंसिटी, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है क्या होगा, तो फ्लोट ज्यादा करेगी, तो फ्लोट ज्यादा करेगी तो यहाँ क्या होगा, डूबेगी कम। भाई सी वाटर की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, सी वाटर की ज्यादा है, तो फ्लोट ज्यादा करेगी, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा, तो फ्लोट ज्यादा करेगी, ऊपर ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा, जब फ्लोट ज्यादा करेगी तो डूबेगी कम, सबमर्ज कम होगी, ठीक है। लेकिन जब रिवर वाटर में जाती है तो रिवर वाटर की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी लेस है, तो डेंसिटी लेस है तो डूबेगी ज्यादा। तो ये रिवर वाटर के केस में डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, चीज नीचे की तरफ आएगी ना, नीचे की तरफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब तो सबमर्ज ज्यादा करेगी, ठीक है। तो इस केस में सबमर्ज, रिवर वाटर के केस में सबमर्ज ज्यादा करेगी, डेंसिटी लेस है तो सबमर्ज मोर, डेंसिटी मोर है तो सबमर्ज लेस, ये हमने देख लिया, ये देखो समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल है। तो ये हो गया आपका इसका। फिर एक ना शिप में एक लाइन होती है, जो बोलते हैं प्लिम सोल लाइन, ये लाइन को क्या लाइन है, शिप है, तो शिप में मान लो कि लाइन बना दी उन्होंने, प्लिम सोल लाइन। प्लिम सोल लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि शिप में लोडिंग करी जाती है तो एक लाइन बना रखी है लोडिंग करने के लिए। अब इस लाइन से ज्यादा आप लोडिंग नहीं कर, सामान भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, तो क्या होगा, शिप धीमे धीमे नीचे आना शुरू होती है, अंदर जाना शुरू होती है ना। भाई सिंपल है, देखो ये शिप है, ये लाइन है प्लिमसोल लाइन, तो हमें सामान इतना भरना है कि इससे ज्यादा ना डूबे, इस लाइन से ज्यादा ना डूबे। अगर इस लाइन से शिप डूब गई, मान लो भाई शिप इतने आ गई, इस लेवल पे आ गई, प्लिमसोल लाइन तो आपकी ये रह गई भाई, और ज्यादा नीचे डूब गई भाई, प्लिमसोल लाइन थी यहाँ पे, आपने शिप को डुबो दिया यहाँ पे पूरा, ये इतना पे आ गई, ये प्लिमसोल लाइन है, तो यार नहीं ज्यादा डूब रही है। अगर प्लिमसोल लाइन से नीचे आ जाती है तो डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर शिप नीचे की तरफ चली जाएगी, बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी, सिंक डाउन हो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, और ज्यादातर देखा होगा जो अनलोडेड शिप्स होती हैं, खाली शिप होती है, उनको नीचे ना सैंड से भर देते हैं। सैंड से क्यों भरते हैं, रेत भरी होती है नीचे की तरफ, अदरवाइज अगर सैंड से नहीं भरेंगे, खाली रहेगी शिप तो हॉलो होती है, जरा सी विंड आई, थोड़ी सी हवा चली तो इधर उधर पलट सकती है, तो पलटे ना, इसलिए जो खाली शिप होती है उसको सैंड से भर देते हैं। तो बहुत हद तक आप देखेंगे जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी फ्लोट करती है, अगर ठीक से, मतलब अगर उसको स्विमिंग आती है तब फ्लोट करेगी, ऐसे नहीं करेगी। डेड बॉडी फ्लोट करती है, हमेशा देखना, डेड बॉडी फ्लोट करती हैं, डेड बॉडीज भी फ्लोट करती हैं, और अगर आपको स्विमिंग आती है तो भी आप फ्लोट करोगे, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, कितना बोन है, कितना ब्लड है, कितना फैट है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एवरेज जो, और ये भी डिपेंड करता है कि लंग्स एम्प्टी हैं कि लंग्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एम्प्टी लंग्स की बात करूँ तो एवरेज डेंसिटी हमारी बॉडी की होती है, अगर हमारी बॉडी में एम्प्टी लंग्स हैं, खाली है, मतलब ये हवा नहीं ली है,
इतनी रहती है, और फील्ड एयर के साथ कितनी रहती है, एवरेज डेंसिटी हमारी बॉडी की एवरेज डेंसिटी है। अगर लंग्स फील्ड है, लंग्स आपके फील्ड है, हवा आपने ले ली पूरी, लंग्स फील्ड है, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, आपने हवा भर ली पूरी बॉडी में तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उस केस में 1.00 यानी कि 1, ठीक है, तो 1 रहती है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर अच्छा स्विमिंग स्विमर होगा ना, स्विमर क्या करता है, स्विमर एक अच्छा जो स्विमर होता है वो अपने लंग्स में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हवा भर लेता है, तो जब हवा भर लेता है तो उसकी एवरेज जो डेंसिटी होती है बॉडी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब एवरेज डेंसिटी बॉडी की कम हो जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, ऊपर आ जाएगी, फ्लोट करेगी, तो एक अच्छा स्विमर क्या होगा, फ्लोट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी को ईजी होता है स्विमिंग करना सी वाटर में इन कंपेरिजन टू रिवर वाटर, क्यों, क्योंकि मैं रीजन पहले ही बता दिया आपको, इसका रीजन क्या है, सी वाटर जो होता है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, अभी बता चुके, पीछे बता के आया हूं, सी वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसमें फ्लोट करना आसान है, डेंसिटी ज्यादा तो वो आपको ऊपर की तरफ, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ आपको धकेलेगी, इसमें फ्लोट करना आसान है। अब रिवर की क्या है, रिवर वाटर की या फ्रेश वाटर लेके कोई भी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इनकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो आप नीचे की तरफ ज्यादा जाओगे, इसमें मुश्किल है फ्लोट करना, ठीक है, स्विमिंग करना मुश्किल है इसमें, इसमें मुश्किल है, क्योंकि इनकी डेंसिटी खुद की नहीं है कुछ भी, तो आप नीचे की तरफ धसोगे, तो यहां फ्लोट करना मुश्किल है रिवर वाटर में, सी वाटर में फ्लोट करना आसान है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। फिर आता है कॉन्सेप्ट एक फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, सबमरीन देखी है, नहीं देखी तो यूट्यूब कर लेना, सबमरीन क्या होता है, तो इस टाइप से देखो आप सबमरीन दिखाई देगी, सबमरीन या तो पानी के बिल्कुल अंदर आ जाती है, जैसे समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल डीप डाउन आ जाती हैं, यहाँ पे डीप डाउन समुद्र में एकदम, और जब मन करता है ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसे ऊपर भी आ जाती हैं, पानी के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इसमें होते हैं बैलास्ट टैंक, ये इसमें ना बैलास्ट टैंक होते हैं सबमरीन्स में, इसके अंदर भर जाता है पानी, तो जब इसको अंदर जाना होता है, भारी होना होता है, वेट बढ़ाना होता है अपना, तो पानी भर लेते हैं, वेट बढ़ जाता है तो नीचे आ जाती है, जब इसे हल्का होना होता है तो पानी निकाल देती है, इसमें से बैलास्ट टैंक में से जो एक्स्ट्रा पानी भरा होता है वो निकल जाता है, तो जब पानी निकल जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये इसका फंडा है। अब ऐसी आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग देखे, नहीं देखे तो वो भी देख लेना, जैसे टाइटैनिक मूवी कहते हैं, एक टाइटैनिक जो शिप थी, जो टाइटैनिक शिप थी वो एक आइसबर्ग से टकरा के डूबी थी, ऐसा बोला जाता है। आइसबर्ग क्या होता है, ऊपर ऐसे रहता है, बर्फ का टुकड़ा है आइसबर्ग, क्या है, बर्फ का एक टुकड़ा होता है, तो ये ऐसे रहता है, मोस्टली ये पानी के अंदर ही होता है, अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ये अंदर पानी के, बहुत ही हल्का सा ये पानी के ऊपर होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का सा होता है पानी के ऊपर, तो, और ये ज्यादातर ना शिप के लिए बहुत डेंजरस रहता है, शिप को पता नहीं चलता, शिप को लगता है पानी का छोटा सा टुकड़ा है, ये शिप आ रही है, इसलिए लग रहा है कि यार ये तो बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये अंदर से बहुत बड़ा होता है, शिप इससे टकरा के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं शिप के डूबने के, आइसबर्ग से टकरा के, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोटेशन ऑफ फिश की, फिश कैसे फ्लोट करती है, अगर हम फिश की बात करूं तो, ठीक है, तो इनका भी सेम है, इनके अंदर एक ऑर्गन होता है फिश के अंदर, स्विम ब्लैडर, ठीक है, तो ये भी वैसे ही काम करता है जैसे वो नहीं था टैंक ऑफ सबमरीन, सबमरीन की बात की थी, ठीक है ना, तो इसमें भी वही है, जब जब फिश को ऊपर की तरफ आना होता है तो ये अपने टैंक ब्लैडर जो उसका है स्विम ब्लैडर, इसमें से गैस निकाल देती है सारी, तो ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि भाई फिश है, इसके अंदर ही मान लो एक पूरा ये भरा रहता है, एक स्विम ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर, ठीक है। अब ये जो स्विम ब्लैडर है ये वैसे काम करता है जैसे सबमरीन थे ना, सबमरीन में हमने पढ़े थे बैलेस्टिक, अब बैलेस्ट टैंक पढ़े थे पीछे, वैसे ही है। तो ये जब इसे ऊपर आना है और जब नीचे जाना है, तो ये
अकॉर्डिंगली क्या करती है, जो इसका स्विम ब्लैडर है इसमें से गैसेस को डिफ्यूज करती है और भर लेती है। तो जब इसको ऊपर आना है नीचे आना है, तो अपनी एवरेज डेंसिटी चेंज कर लेती है। कैसे चेंज करेगी, अपने इस स्विम ब्लैडर को खाली करके या भर के गैसेस से। तो उससे इसकी एवरेज डेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एवरेज डेंसिटी चेंज होगी। तो ये इसकी बॉडी की एवरेज डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे आ जाती है। सीधा सबमरीन वाला फंडा है। अब बलून की बात कर लें, बहुत सारे आपने देखा होगा हाइड्रोजन के बलून्स होते हैं, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उस पर उस वाले पे अपसस ज्यादा लगता है, उसका वेट इतना नहीं होता, उस पर अपसस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऊपर की तरफ उड़ता जाता है। लेकिन एक लेवल तक आके उड़ेगा, ऐसा नहीं उड़ता ही जाएगा उड़ता ही जाएगा। एक लेवल पे आके क्या होगा, जो उसका बलून का वेट है और अपसस से बराबर हो जाएगा। तो एक लेवल तक आके हवा में ऊपर आके उड़ेगा, फिर रुक जाता है। अब थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, सिंपल सा। एक हमें दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ वुड दिया है, जिसका वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये दिया है ब्लॉक ऑफ वुड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड, ब्लॉक ऑफ वुड, और ये फ्लोट कर रहा है वाटर पे। इसका इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है, मतलब इतना वॉल्यूम इसका इमर्स्ड है, जितना इमर्स्ड है, इमर्स पार्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये इमर्स्ड वाले का वॉल्यूम है, जो ये पार्ट डूबा हुआ है। कैलकुलेट कह रहा हूँ डेंसिटी निकालो, किसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ऑफ वुड। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें पता है फ्लोट कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो क्या होता है, हमें प्रिंसिपल फ्लोटेशन के हिसाब से बी डी जी, ये डेंसिटी इसकी, ये हम वेट ऑफ वुड लिया हमने, तो ये हो गया जो छोटा लिया इसको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो जी से तो जी कट गया। ये निकालना है तो कितना हो गया, वी डी एल अपॉन कैपिटल वी। तो ये हमें पता है कितना है, ये हमें पता है 20 है, ठीक है, 20 दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ जितना डिस्प्लेस लिया है ये अपॉन 25। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हमें पता है कि किस चीज में ये डूबा हुआ है, हमें पता है ये वाटर में है, पानी में डूबा हुआ, तो इसकी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ जब 1 रखोगे तो ये तो हट गया, तो ये हो गया 20 अपॉन 1/3 25, तो यानी कितना हो गया 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है, तो वेट निकालना है कैसे हो जाएगा, सिंपल है, वेट होता है वी डी जी, वॉल्यूम हमें पता ही है 25 है, डी हमने निकाल लिया 0.8 है, जी हमें छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 20 ग्राम फोर्स। मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना आ जाएगा 20 ग्राम फोर्स। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। हमने लिया एक, अब दूसरा हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में भी दिया हुआ है एक पीस ऑफ वुड है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी दी है हमें इसकी, इस सॉलिड है 0.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी दी है, ठीक है। अब हम पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वुड विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वुड विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो पूछ रहा है कौन कितना वॉल्यूम ऑफ वुड सरफेस ऑफ लिक्विड के अबव रहेगा, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ वुड है ऐसे है, तो कितना ऊपर है लिक्विड के ऊपर कितना है, ये वाला निकालना हमें। कैसे निकालेंगे, देखो अब आपको ये पता है प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, सिंपल है। तो पहले वेट ऑफ वुड पीस इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, हमें सिंपल पता है, वो लगाते हैं वेट ऑफ जो इस वुड का पीस है वो बराबर होगा अप थ्रस्ट के, तो सिंपल वो लगाना पड़ेगा फंडा। तो वेट ऑफ वुड पीस लेंगे तो कितना हो गया वी डी जी, वी कितना है, डी कितना है, तो 200 × 0.84 × g। अब अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना लगेगा इस पे,
अब थ्रस्ट कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम है 200, 200 में इसका इसका वॉल्यूम निकालना है, टोटल 200 है वॉल्यूम, तो 200 में से अगर मैं 200 में से अगर मैं ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं, ये वाला जो ऊपर बाहर की तरफ है, इसे वी मान लेते हैं, कैपिटल वी, तो 200 में से कैपिटल वी माइनस कर दूं तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा ना, और यही वाला वॉल्यूम मुझे यहाँ रखना होता है अब थ्रस्ट में, तो 200 माइनस मैंने माइनस किया ये वाला जो ऊपर वाला है, इसे वी डैश ले लो, 200 माइनस वी डैश करूंगा तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा जितना लिक्विड का वॉल्यूम है, जो अंदर जो ये वाला डिस्प्लेस लिक्विड है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.05, ये रही, इनटू जी, सिंपल है, इसे कैलकुलेट करोगे पूरे को तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर क्यूब, इस इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। पहला पार्ट सॉल्व। अब वो कह रहा है वॉट फोर्स मस्ट बी एग्जर्टेड ऑन वुड टू कीप इट टोटली सबमर्ज्ड, अगर मुझे वो इसको टोटली सबमर्ज करना है, मतलब यहाँ लेके चलना है इतना, तो उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, तो अगर हमें टोटली ही करना है तो क्या होना चाहिए, वो पूछ रहा है व्हेन, अगर एक टोटली सबमर्ज होगा तो सिंपल है अपथ्रस्ट निकालना पड़ेगा पहले हमें, कि उस टाइम पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा, तो अगर ये टोटली सबमर्ज हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो इसका लिक्विड डिस्प्लेस होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा जो इसका खुद का वॉल्यूम है, खुद का वॉल्यूम कितना है 200, क्योंकि अभी पूरा अंदर आ गया ना, पूरा अंदर आ गया तो जो लिक्विड डिस्प्लेस है उसका वॉल्यूम वही हो जाता है जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कितना है 200, तो अब अगर मैं अपथ्रस्ट निकालूंगा तो कितना निकलेगा, वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ये, तो अब इस केस में वी हो जाएगा 200 क्योंकि ये पूरा डूब चुका है, तो 200 इंटू पीएल कितना है दिया हुआ 1.05, ये आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यही यही आपको डीएल ले लो इंटू जी, तो हो गया 210 ग्राम फोर्स अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ लगना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में वेट निकालना है, अगर मुझे वेट कितना होना चाहिए वुड पीस का कि पूरा डूबे, तो सिंपल है वी हमें पता है कितना है 200, ये रखेंगे इसका, ये वीडीजी लगेगा फॉर्मूला, 200 डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको पता ही है 0.84 दी हुई है, ये रही डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, तो कितना हो गया 1868 ग्रीएफ, ये होना चाहिए वेट इसका, किधर की तरफ डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये होना चाहिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड। अब वो पूछ रहा है कि कितना फोर्स एग्जर्ट करना है ताकि ये पूरा का पूरा कितना रहे, टोटली समझ रहे, तो अब कितना हो गया, कितना फोर्स एग्जर्ट करना है कि टोटली समझ रहे, हमें कितना और फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये वुड टोटली समझ रहे, क्योंकि यार अपथ्रस्ट ज्यादा है तो ये पूरा अभी ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है, ये नीचे का वेट है भाई, ये देखो ये लग रहा है इस पे अपथ्रस्ट 210 का ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना लग रहा है वेट 168, अब ये मुझे कुछ और फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा, एग्जर्ट करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ये, तभी तो ये पूरा ऐसे अंदर की तरफ डूबेगा, ये ऐसे सबमर्ज होगा पूरा, तो अभी ये अभी फिलहाल ये वाला ज्यादा है अपथ्रस्ट, ये कम है, तो यहाँ नीचे मुझे एक कुछ और फोर्स और लगाना है इसको बैलेंस करने के लिए, कितना लगाना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर लूंगा तो ये आ जाएगा 210 माइनस 168 कितना हो गया 42, तो यानी कि मुझे 42 फोर्स और लगाना पड़ेगा यहाँ पे 168 के साथ तभी ये बैलेंस होगा, तो मुझे फोर्स एग्जैक्ट कितना पड़ना पड़ेगा 42 200, ये इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये एक्स्ट्रा फोर्स और मुझे लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा, तो ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, वॉल्यूम दिया है बलून का, वॉल्यूम ऑफ बलून 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, इसमें हीलियम गैस भर दी है, जिसकी डेंसिटी दी है, हीलियम गैस की डेंसिटी है 0.18 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, वो पूछ रहा है कि डेंसिटी दी हुई है एयर की भी दी हुई है, वो कह रहा है ये जो बलून है कितना वेट लिफ्ट कर सकता है ऊपर की तरफ, कितना ऊपर की तरफ वेट लिफ्ट कर सकता है, कितना कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, ये पूछा, ये बलून कितना ऊपर की तरफ वेट लिफ्ट कर लेगा,
तो सिंपल इसमें भी वही है, पहले क्या करेंगे हम वेट निकालते हैं हीलियम फिल्ड बलून का, फ्लोटेशन वाला प्रिंसिपल चलेगा सब में। पहले निकलेगा वेट ऑफ हीलियम फिल्ड बलून, तो कैसे निकलेगा, वीडीजी, दोबारा सब में वीडीजी का फॉर्मूला लगता है। तो वॉल्यूम कितना है बलून का, 1000, डी कितना है डेंसिटी ऑफ हीलियम, 0.18 इंटू जी कर लो, तो ये करोगे तो 180 किलोग्राम फोर्स ये आ गया आपका, ठीक है, केजीएफ किलोग्राम फोर्स। अब निकालना पड़ेगा वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, जैसे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालते थे, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस वो सेम फंडा है फ्लोटेशन वाला। वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना हो गया, वी डी जी, सिंपल। अब वी कितना है 1000, डेंसिटी ऑफ एयर निकालेंगे, ये एयर की है, एयर की दी हुई है 1.29 इंटू जी, तो कितना आ गया 1290 केजीएफ किलोग्राम फोर्स, ठीक है, ये भी किलोग्राम फोर्स में, ये भी किलोग्राम फोर्स में। तो अब देखो यहाँ वेट ऑफ मतलब अब थ्रस्ट कितना ज्यादा है, देख रहे हो इसका खुद का वेट बहुत कम है, सिर्फ 180 है, ये 1290 है, तो कितना वेट अभी है, अब थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, कितना वेट अभी ये और लिफ्ट कर सकता है, सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इतना, क्योंकि इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, 1110 किलोग्राम फोर्स, तो इतना ये वेट, ये मैक्सिमम लोड इतना लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इतने पे ही अब थ्रस्ट लगेगा, बैलेंस हो पाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो ये सिंपल था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लग रहा है, बस जिस भी चीज का हमें निकालना है उसका वेट निकाल लो, और फिर जो भी चीज लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है या एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका वेट निकाल लो, आपस में इनको देख लो, अगर दिया हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्टली फ्लोट कर रहा है तो बराबर हो जाएगा, अगर वो पूछ रहा है वेट कितना लिफ्ट कर रहा है या इसमें कितना रिजल्टेंट फोर्स लगना है तो इन दोनों में से माइनस हो जाएगा। ये जब ये मोस्टली बराबर आते हैं तो समझ लो फ्लोट कर ही रहा है, अगर नहीं आ रहे हैं बराबर तो उसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस निकाल लेना, एज सिंपल एज दैट। तो गाइस इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म हुआ, अगला पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।